मैं हूँ गुरु नितेश और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज 90 डिग्री। क्या करना है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल खींच लेना है ना, जिसमें एंगल ए जो है वह 90 डिग्री है या दिया हुआ है। साथ ही साथ दिया हुआ है कि AB बराबर AC, ये जो साइड है इसके इक्वल है, AB बराबर क्या है AC के, तो फाइंड एंगल बी एंड सी। तो आपको एंगल बी और सी पर आप निकालना है। तो आपको दिया हुआ है ना, आपको क्या दिया हुआ है कि AB बराबर है AC के, है ना। तो दो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, ये बात आपको पता है। तो इसका मतलब एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल ABC ये होगा। अब ट्रायंगल के एंगल के सम प्रॉपर्टी से है ना, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये दोनों आपस में इक्वल है तो एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस इसका वैल्यू 90 डिग्री है, 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो टू ऑफ एंगल ABC प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, 90 डिग्री को बराबर के इक्वल कर देंगे तो टू ऑफ एंगल ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय 2, तो एंगल ABC बराबर 45 डिग्री, और एंगल ABC बराबर है एंगल ACB, तो बराबर हो जाएगा कितना 45 डिग्री। तो एंगल B इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू 45 डिग्री, यही आपको निकालना था। थैंक यू।